गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और आप लोग कैसे हैं? अच्छा से चल रहा होगा पढ़ाई? आज हम लोग पढ़ते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है कन्वर्शन के वक्त, जब कार्बन का संख्या कम करना होगा तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का यूज करना रहता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कैसे होता है विथ मैकेनिज्म। डी कार्बोक्सिलेशन किसको कहते हैं? देखिए, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है, इसे बोलते हैं रिमूवल ऑफ CO2, लेकिन इक्वेशन में देखेंगे कि Na2CO3 बना। अब एक्चुअली बनता है वो CO2 सॉल्यूशन में, NaOH से रिएक्शन करके Na2CO3 का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन को क्या कहेंगे? रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट क्या है, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट है। तो हम लोग कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, RCOOH लिए, अगर इसका रिएक्शन करा देंगे NaOH से, या CH3 लीजिए आसान लगेगा, CH3 लिए तो ये बन जाएगा आपका एसिड बेस रिएक्शन है सिंपल। तो एसिड बेस रिएक्शन है तो क्या होगा, RC OONa+H2O, ये Na+H2O का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये सॉल्ट, इसको बोलेंगे CH3 था, CH3 है, CH3 COONa इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, ये तो जानते ही है आप लोग, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथनोएट, इथनोएट बोलेंगे तो IPAC नाम हो गया, ये हो गया एसिटिक एसिड। छोटा छोटा कंपाउंड का नोमेनक्लेचर में है, वीडियो नंबर 9 में, सबका कॉमन नेम और IPAC नाम जानते रहिए, नहीं तो दिक्कत होता है। ये सोडियम सॉल्ट बन गया सोडियम एसीटेट। अब क्या करता है ये, बहुत व्हाट हैपेंड व्हेन में भी पूछेगा, सोडियम एसीटेट रिएक्ट विथ सोडा लाइम NaOH को कहते हैं सोडा और लाइम CaO को लाइम सोडा लाइम सोडियम एसीटेट रिएक्ट विथ सोडा लाइम गिव्स मिथेन। देखिए इसका कैसे होता है, गिव्स मिथेन, तो सोडियम एसीटेट है COONa, सोडा लाइम में NaOH करता है रिएक्शन एक्चुअली CaO, ये देता है। याद रखने के लिए ये है, ये मत समझिएगा कि NaOH दिया, ये एसिड देता है H+, इसलिए ये NaOH नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ समझने के लिए कि जो जितना रहेगा इधर H, इधर जितना रहेगा ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया मीथेन प्लस Na2CO3। ठीक है, Na2CO3। अब इसका मैकेनिज्म अगर पढ़ते हैं हम लोग,
मैकेनिज्म में जानते हैं NaOH टूटता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये टूटेगा ही। और हम लोग जो ये इक्वेशन रिएक्शन कराते हैं एक्वस मीडियम में, इन एक्वस मीडियम लिख दीजिए, ये रिएक्शन होता है एक्वस मीडियम में एक्चुअली, ठीक है। तो NaOH टूट जाएगा एक्वस मीडियम में, Na प्लस प्लस OH माइनस। अब ये OH माइनस सोडियम एसीटेट के सी डबल बॉन्ड ओ एन ए है, ये न्यूक्लियोफाइल बना। न्यूक्लियोफाइल जानते हैं हम लोग, कार्बोनाइल कार्बन के पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल बना, ये अटैक करता है इस पर और ये जो है इधर चला जाता है, ठीक है। तो क्या बना, CH3 COH बना, CO माइनस बना, ONA बना। अब देखिए अगर ये फिर रिटर्न होता है इधर, बैक करता है, निगेटिव चार्ज इधर गया, तो अब कौन रिमूव होगा, NA रिमूव होगा नहीं, H रिमूव होगा नहीं, चूँकि बेसिक्स। अब ये हमारा निकल जाता है CH3- ये बाहर हो जाता है, तो क्या बन गया फाइनली, देखिए फाइनली क्या बना, CH3- प्लस सी डबल बॉन्ड ओ, इधर OH ले लेते हैं, OH डबल बॉन्ड ओ ON, ये बन गया। अब ये H प्लस रिलीज करता है एक्चुअली, ठीक है, ये H प्लस रिलीज करके देता है क्या चीज, देखिए C डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस ओ एन ए। अब ये दोनों तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, प्लस H प्लस, ये H प्लस अब क्या करेगा, CH3- प्लस H प्लस ये बॉन्ड बना लेता है और बना दिया CH4 और C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ओ एन ए इधर लिख लिए, इधर क्या है O माइनस, और सॉल्यूशन में Na प्लस बचा हुआ है, Na प्लस ये इसको गेन कर लेता है और बना दिया, और क्या बना दिया, NaOONa, इसी को वो बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, यही हो गया मैकेनिज्म, मीथेन का फॉर्मेशन किया, ठीक है, मीथेन का ये फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म पढ़ने के बाद ये जानिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगर रहा सोडियम फॉर्मेट रहेगा, ये सोडा लाइम से करेगा NaOH प्लस CaO से, ये दे देगा आपको, ये सब याद रख लेना है कि NaH ऐड हो जाएगा H2 प्लस Na2CO3 देता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए अगर आप, तो हम लोग बहुत ले सकते हैं नहीं, बेंजो सोडियम बेंजोएट लेंगे, अब ये सब कन्वर्सन में बड़ी यूज होने वाला है आगे, सोडियम बेंजोएट है, इसका अगर सोडा लाइम से कराते हैं रिएक्शन NaOH प्लस CaO से,
तो ये बन जाता है बेंजीन, एच एड हो जाता है बेंजीन और एन ए टू सी ओ थ्री निकल गया। ठीक है, अब होगा कि केस अलग अलग अगर दे, एक केस जानिए कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अगर है, जिसे ये है प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, इसको सिर्फ हीट कर देते हैं ना तो भी ये डिकार्बोक्सिलेशन देता है, ये CO2 रिमूव होता है, ये बनाता है CH3 सी डबल बॉन्ड OOH प्लस CO2, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर आपको दिया कि रेट किसका ज़्यादा होगा हैं, तो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, क्वेश्चन देगा राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ rate of decarboxylation किसका होगा। तो हम लोग क्या देखे थे, इसमें एक ही कंसेप्ट याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दिया, एग्जांपल लेते हैं CH3 और CH3 CH2 और दिया CH3 CH2 COOH, तीन तरह का एसिड दिया, तो इसमें टर्शरी कार्बेनियन बनाएगा, हम लोग CO2 निकलेगा ही, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटता है, तो बना क्या, टर्शरी कार्बेनियन, सेकेंडरी कार्बेनियन और प्राइमरी कार्बेनियन। अगर मान लीजिए फर्स्ट है ये, सेकेंड है तो थर्ड है, तो हम लोग क्या जानते हैं, टर्शरी कार्बेनियम लीस्ट स्टेबल, तो लीस्ट स्टेबल है तो डिकार्बोक्सिलेशन भी क्या होगा, स्लो हो जाएगा इसका। मोर स्टेबल कार्बोनियन आयन देता है मोर डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन मेरा ये है कार्बेनियन, ये सेकेंडरी कार्बेनियन, सेकेंडरी कार्बेनियन ये है, तो ऑर्डर में अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुआ, इस फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ही बना, ऐसे आंसर क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसका क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या हो गया, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन लेसन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, जितना ज़्यादा कार्बेनियन स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा रेट होगा, तो थर्ड सबसे ज़्यादा है, प्राइमरी है, 1 डिग्री कार्बेनियन देगा, ये क्या देगा, 1 डिग्री कार्बेनियन देगा, ये कार्बेनियन फॉर्म करेगा, ये 2 डिग्री फॉर्म करेगा, 2 डिग्री कार्बेनियन, ये क्या करेगा, 3 डिग्री कार्बेनियन देगा, ये अगर फर्स्ट है ये 3 डिग्री कार्बेनियन देगा, ये कार्बेनियन देगा, स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हो गया, यही थर्ड प्राइमरी कार्बेनियन मोर स्टेबल होता है, ऑर्डर ऑफ कार्बेनियन क्या होता है,
ऑर्डर ऑफ कार्बेनियन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन देते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन क्या होता है, कार्बेनियन होता है 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree, है 3 degree सबसे कम होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब और एग्जांपल देते हैं। देखिए ये सब फॉर्म करेगा 1 degree carbenium, 1 degree ये यहाँ जाएगा, 1 degree है, एक ही कार्बन से अटैच, 1 degree carbon, सब 1 degree carbenium फॉर्म करेगा। लेकिन इसमें प्लस आई इफेक्ट लगा है, इसमें प्लस एम लोन पेयर जाएगा अंदर की तरफ, उसमें माइनस एम कार्बेनियन का स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कार्बेनियन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो डीकार्बोक्सिलेशन ज़्यादा होगा, तो ऑर्डर जो होगा क्या हो जाएगा, फोर्थ का सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसमें कोई इफेक्ट नहीं है तो फर्स्ट का होगा, तब ये प्लस आई कारण घट जाएगा और प्लस एम के कारण और ज़्यादा घट जाएगा, ठीक है। इस केस में देखिए, इस केस में क्या हो रहा है, ये जो बनाएगा ये कार्बेनियन बनाएगा, ये जो बनाएगा sp2 हाइब्रिडाइज पर कार्बेनियन नेगेटिव चार्ज है, ये जो है sp हाइब्रिडाइज कार्बन पर है, तो ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज मोर नेगेटिव कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ उसके रिस्पेक्ट में कम है, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका ये ज़्यादा है तब ये है तब ये है ना, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर में ही है, तो रिएक्टिविटी या डीकार्बोक्सिलेशन भी यही हो जाएगा, थर्ड सेकेंड और फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे मान लीजिए और हम लोग ले सकते हैं, और ले सकते हैं, जैसे दे दिया डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ से डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, और ऐसे दिया डबल बॉन्ड दिया, यहीं पर सी डबल बॉन्ड ओ एन ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ हमको कार्बेनियन यहाँ बनेगा, सी डबल ओ जहाँ रहता है यहाँ कार्बेनियन बनेगा, यहाँ पर कार्बेनियन बनेगा, नहीं ये यहाँ दीजिए, यहाँ दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ कार्बेनियन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, ये कार्बेनियन फॉर्म करेगा, ऐसा फॉर्म करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस, जब रेजोनेंस ही नहीं होगा तो मान लीजिए ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो सेकेंड क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हुआ था, कंसेप्ट मतलब यहीं शुरू हुआ, ये हुआ और आंसर तो ये हो जाएगा सेकेंड मोर डीकार्बोक्सिलेशन देन फर्स्ट हो जाएगा,
ठीक है। इस तरह से हम लोग बहुत बना सकते हैं, जितना भी है रेजोनेंस इफेक्ट लगाइए, प्लस आई लगाइए, प्लस एम लगाइए, ये सब टाइप का डिकार्बोक्सिलेशन का पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो हो गया डिकार्बोक्सिलेशन रिमूवल ऑफ CO2। हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से भी डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं ना। तो डिकार्बोक्सिलेशन जब पढ़ ही रहे हैं तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अलग वीडियो होगा, ठीक है। ये जो वीडियो होगा ये अलग वीडियो होगा, इसको आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका इतना ज़्यादा यूज है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर तो अलग चीज़ है, कन्वर्सन में इतना ज़्यादा यूज होगा कि बहुत ही ज़्यादा यूज है, इसलिए इसको फुल कमांड कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कि डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बेनियन इज ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बेनियन बनता है, ठीक है। तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।